वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत एक विशेष ट्रेन बीकानेर से रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना हुई। संभागीय आयुक्त बीकानेर वंदना सिंघवी ने बताया कि संभाग से ट्रेन पहली बार इस योजना के तहत रवाना हुई। उन्होंने बताया कि बीकानेर चूरू जिले के 230 यात्री रवाना हुए हैं। वहीं देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 15 तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की ओर से यात्रियों का लॉटरी द्वारा चयन किया जाता है। जो है वो राज्य सरकार की एक महती योजना है और जिसमें वरिष्ठ नागरिक गणों को तीर्थ देवस्थान के दर्शन कराने के लिए यात्राएं भारत के विभिन्न भागों में जाती है और कई इस रीजन में संभाग में पहली ट्रेन आज रामेश्वरम के लिए रवाना हो रही है बीकानेर से, जिसमें बीकानेर और चूरू जिले के 230 तीर्थयात्री शामिल हैं। और इस यात्रा के दौरान जो यात्री जा रहे हैं उन सबको मेरी ओर से, पूरे संभाग की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवस्थान विभाग की ये महत्वाकांक्षी योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें रेल के द्वारा 15 विभिन्न तीर्थ स्थलों पे, जिसमें रामेश्वरम, तिरुपति, कामाख्या, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी इत्यादि हैं, और काठमांडू नेपाल में हवाई यात्रा के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराई जाती है, जिसके फॉर्म जो है ऑनलाइन लिए जाकर, लॉटरी निकाली जाकर इन यात्रियों का चयन किया गया है। और आज इनको यहाँ बीकानेर संभाग की ये पहली ट्रेन आज रवाना हो रही है जो रामेश्वरम जाएगी। लगभग एक सप्ताह की ये यात्रा रहेगी और 250 के करीब यात्री यहाँ से जा रहे हैं। इसके बाद जोधपुर और पाली संभाग से भी इसमें यात्री जुड़ेंगे और विशेष ट्रेन रहती है जिसमें संपूर्ण व्यय राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग द्वारा वहन किया जाता है। देवस्थान विभाग द्वारा जो ये आयोजन किया गया है, इसमें रामेश्वरम तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ निःशुल्क, इनकी तरफ से सारी तरह की सुविधा दी गई है। हमने सुबह नाश्ता किया है, चाय पानी हर तरह की सुविधा है, बैठने की और जाने के लिए हमारी पूरी तैयारी चल रही है। मैं सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो व्यवस्था की है बहुत बढ़िया की है और एक बार फिर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। नमस्ते। पहली बार 59 वर्ष से वृद्ध हूँ, पहली बार ही जा रही हूँ। देवस्थान की तरफ से जो ये योजना चालू की गई है वृद्धजनों के लिए, बहुत ही अच्छी और शुभ योजना है। इसमें इसकी जो भी योजना जैसे ले जा रहे हैं बहुत अच्छे से ले रहे हैं। हम वृद्धजनों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा रखी है।